नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नारायण देव वार्ड निवासी गंगा देवी पत्नी पूरन राम बीते एक साल से आवास की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें आज तक आवास नहीं मिल सका है। आवास की मांग करते करते थक चुके इस परिवार का मकान बेहद जर्जर हालत में है, जिस कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा देवी तथा पूरन राम ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था, लेकिन आवेदन के एक साल बाद भी उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने नगर पालिका सहित जिला प्रशासन से एक अदद आवास दिलाने की गुहार लगाई है। इधर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि गंगा देवी पत्नी पूरन राम का आवास के लिए आवेदन मिला है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है। आवास स्वीकृत होते ही उन्हें आवास प्रदान किया जाएगा। हम बड़े पानीकोट में रहते हैं और सर हमारा ये मकान हमने आवेदन दिया था, इसमें एक साल करीब हो गया है आवेदन दिए हुए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। वहाँ नगर पालिका में हमने पता किया, वहाँ अभी कागज हमारा नाम नहीं चढ़ा है रजिस्टर रूम में, हमारे कागज जो है अभी दबे पड़े हैं। मकान बिल्कुल आप देख रहे हैं, मकान बिल्कुल कंटम स्थिति में है। कभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। बारिश बरसात हो तो खासकर बहुत डर लगता है इसमें रहने में। अब प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हो सके तो मकान की जरा ठीक कर दे, ठीक कुछ मदद आर्थिक मदद दिलाने की मदद करें। ऐसा मकान हो रहा है सर, फिर ये टूटने वाला है, कब से एक साल से दिया ही नहीं है। वहाँ कागज लगाए हैं वैसे ही दबे दबे हैं। अब ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बरसात होती है तो फिर बरसात में बच्चों के लिए और हमारे लिए खुद ही मुसीबत हो जाती है। और टॉयलेट बाथरूम ऐसा हो रहा है, खाली खुद ही देख रहे हो ना, उसमें दरवाजा है खाली, ऐसे पर्दा लगा के हम, अभी तो छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ हो गया कभी दब गए, ऐसा करके परेशानी है सर। जैसे एक छत रहने के लिए भी इतना हो जाता सर, इतना ही आपसे कृपया है कि कर। देखिए आपके मेरे हाथ में ये फार्म है इनका, और ये गंगा देवी हैं, और इनका जो ये आवास के लिए करी आवेदन का, रियल में इन्होंने आवेदन करा है, लेकिन ये आवेदन इनका तब आया जब एक बार एक साल पहले गवर्नमेंट से ऑर्डर था कि आप जितने भी आवेदन हैं या जिनको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है उनका सर्वे करके आप हमें उसकी सूचना दें। तो हमने 176 लोगों का जिलाधिकारी महोदय के तरफ से टीम गठित हुई, घर घर जाकर सर्वे किया गया। सर्वे में 176 लोग पात्र पाए गए थे, जिनका हमने शासन को DPR बना के प्रेषित कर दिया था। जब ये प्रेषित कर दिया गया, उसके बाद मुझे लग रहा है कि इनको 2 महीना हुआ हो या 4 महीना हुआ हो आवेदन दिए, तब इन्होंने अब आवेदन दिया है। और इसमें ज़मीन, चूँकि मुझे जहाँ तक इनके बारे में जानकारी है कि ये पहले इनका अपना आवास भी नहीं था न तो ज़मीन थी, ये बाद में इनको जैसे भी मिला होगा, खसरा खतौनी चूँकि अब इनके नाम आ गई है, तब इन्होंने आवेदन करा। अब चूँकि सर्वे हो चुकी है इसलिए इनका आवेदन हमारे पास सुरक्षित है। जैसे अगली सर्वे के लिए हमें निर्देश मिलता, हम तुरंत सर्वे करके इनका भी आवेदन स्वीकृत समिति द्वारा अगर स्वीकृत किया जाता तो हम शासन को प्रेषित कर देंगे। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।